नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A25 5G versus Infinix GT20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A25 5G में 6.34 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A25 5G में 3.01 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि A25 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो A25 5G में 0.33 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो A25 5G में 197 ग्राम जबकि GT20 Pro 5G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A25 5G में सुपर एमोलेड जबकि GT20 Pro 5G में एमोलेड की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो A25 5G में 19:5:9 जबकि GT20 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A25 5G में 6.5 इंचेस जबकि GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A25 5G में 1080x2340px FHD+ प्लस और GT20 Pro 5G में 1080x2436px FHD+ प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A25 5G में 84.02% जबकि GT20 Pro 5G में 88.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A25 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT20 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A25 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A25 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT20 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A25 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और GT20 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A25 5G में माली G68MP4 जबकि GT20 Pro 5G में माली G610MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A25 5G में Samsung Exynos 1280 और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate मिलता है। बात करें RAM की तो A25 5G में 8GB की RAM मिलती है, जबकि GT20 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A25 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि GT20 Pro 5G में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A25 5G में अप टू 1TB जबकि GT20 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है।
बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A25 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,490 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,890 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में A25 5G आगे है, मेन कैमरा में GT20 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT20 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा रियलमी 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो वाई 200 प्रो 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।